खुरई के सतनाई गांव में खेत पर अपने दो भाइयों के साथ खेल रही 6 वर्षीय बच्ची की पानी से भरे कुएं में डूबने से जान चली गई। तनिष्क में हमारे गहनों से सिर्फ हमारा नाम ही नहीं, एक 150 साल पुराना सरनेम भी तो जुड़ा है, टाटा का। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट। बताया जाता है कि खुरई शहरी थाना क्षेत्र के सतनाई गांव के रामेश्वर पटेल के खेत पर मजदूर दंपत्ति काम कर रहे थे और उनके 3 बच्चे खेत पर ही खेल रहे थे। इसी दौरान अपने 2 छोटे भाइयों के साथ खेल रही रवीना जाटव निवासी भौरी थाना चिनौर तहसील डबरा जिला ग्वालियर कुएं में गिर गई। साथ में खेले 2 भाइयों ने तत्काल दूसरे खेत में काम कर रही मां को इसकी जानकारी दी। मां ने इसकी सूचना आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों को दी। दूसरे खेत में काम कर रहे गोलू चंदेल ने बिना देर किए अपने साथी के साथ कुएं में छलांग लगा दी। बच्ची को कुएं से निकालकर तत्काल उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। गोलू चंदेल ने बताया कि कुएं में करीब 10 फीट पानी भरा हुआ था। यदि समय रहते बच्ची को निकाल लिया जाता तो बच्ची की जान बच सकती थी। पूरी घटना सर ये हुई कि बच्ची कुएं में जो गिर गई है, तो उसमें हम लोगों को उसकी माँ ने बताया आज बाजू खेत पे आके कि हमारी बच्ची कुएं में गिर गई। तो हम लोग गए दोनों जन, उसको देखा तो डूबी हुई थी। उसमें हम लोगों ने निकाला उसको, निकालने के बाद हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता राजवीर ने बताया कि उसके 3 और 4 साल के बेटों के अलावा 1-6 साल की बच्ची भी थी। तीनों साथ में खेत में खेल रहे थे। घटना के समय वह दूर के खेत पर काम कर रहा था और पत्नी भी दूसरे खेत पर काम कर रही थी। पता नहीं चला कि कब बच्ची कुएं में गिर गई। जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। The best combo offer ever. पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 25% तक की छूट और साथ ही अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर 100% वैल्यू। तो आज ही अपने नजदीकी तनिष्क स्टोर जाइए। तनिष्क, अ टाटा प्रोडक्ट।